अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। तो आज हम अनदर सेशन के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ अर्शी अली हैं। अर्शी अली का इंट्रोडक्शन मैं करवा रही हूँ। अर्शी अली हैज़ अ पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अर्शी इज़ अ रजिस्टर्ड साइकोथेरापिस्ट क्वालिफाइंग एंड शी हैज़ डिग्री इन होम्योपैथी। शी इज़ अ रिसर्चर, ब्लॉगर, ऑथर एंड अप्रेंटल कोच। तो टुडे जो टॉपिक है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर, उसकी कॉजेज एंड मैनेजमेंट। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो आज हम इसका पार्ट वन करेंगे। तो हेयर इज अर्शी अली विद एंजाइटी डिसऑर्डर कॉजेज एंड मैनेजमेंट। तो अर्शी अली, नाउ फ्लोर इज योर। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया गुलनास। मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ और ख़ास तौर से इस प्लेटफॉर्म के लिए कि जिस तरीके से हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं इन सेशंस को ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंजाइटी के बारे में। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब से कोविड आया है तो एंजाइटी का जो स्टैटिस्टिक्स है यहाँ कैनेडा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी हर किसी को ही एंजाइटी फील हुई है ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान और ख़ास तौर से लॉकडाउन के दौरान। तो कि और एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो आज हम एंजाइटी के बारे में मालूम करेंगे कि एंजाइटी असल में क्या है और इसके कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिसको बहुत सारे लोग लेबल भी नहीं कर पाते हैं या वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये एंजाइटी है। और लिटरली मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि जब उनको एंजाइटी हो रही होती है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको हार्ट अटैक होने वाला है या उनको बस उनको ऐसा लगता है अगर वो कहीं बाहर से आए और एकदम से सिम्टम्स आए तो उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज पीछे लग गई है। यानी मैंने बिल्कुल अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट जो है लोगों को रिलेट करते हुए एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ देखा है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, यानी एंजाइटी के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। और वो क्या हैं वो आज हम देखते हैं। तो मैं यहाँ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन मैंने इसके लिए बनाई है। अच्छा, जैसा कि एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में आपको पता है, नहीं आपको नहीं पता वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी की डेफिनेशन के हवाले से। और जो एंजाइटी की जो डेफिनेशन है वो मैंने ली है DSM-5 से। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहती हूँ कि ये जो डेफिनेशन है ये मैंने कहाँ से ली है। तो ये देखें, बिल्कुल ये मेरे पास DSM-5 मौजूद है। तो ये डेफिनेशन मैंने एंजाइटी की इसी में से ली है और इसी की जो पिक्चर है वो मैंने अपलोड की है वहां पर। ये सॉरी टू इंटरप्ट, अच्छा ये क्या है जो आपने अभी शो किया बुक? DSM-5 जो है ये है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का। वो है जिसमें जो भी साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसको यूज करते हैं किसी भी बीमारी मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए। तो ये देखें, इसकी ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड की हुई है मैंने। तो इनके मुताबिक, इस DSM-5 के मुताबिक जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, या मैं एंजाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात कर रही हूँ कि एंजाइटी जो डिसऑर्डर्स हैं उन उसका मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें एक्सेसिव फियर और एंजाइटी रिलेटेड बिहेवियरल डिस्टरबेंसेस होती हैं। इसको मैं इन डिटेल बात करूंगी कि एक्चुअली ये क्या होती है ना। तो एंजाइटी के अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आती हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और जिसको देखते ही आप कह सकते हैं कि हाँ इस इंसान को या आपको खुद को एंजाइटी हो रही है। इसमें जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो है फीलिंग नर्वसनेस, रेस्टलेस और टेंस। यानी आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। रेस्टलेस यानी बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा जिस्मानी तौर के ऊपर, या आपको ऐसा लग रहा है कि सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, पैनिक और डूम, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जिसे लाइफ खत्म हो जाएगी या आपको हार्ट अटैक पड़ने वाला है या
जो है बस लाइफ एंड होने वाली है, इसके साथ साथ हैविंग डिफिकल्टी कंट्रोलिंग वरी, यानी आप इतने ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, जहन में बार बार थॉट्स आए जा रही हैं और आप जो है उसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। साथ साथ इसका एक और एक्सप्रेशन होता है वो स्वेटिंग का, के अचानक जो है पसीना आना शुरू हो जाता है और इंसान को ऐसा लगता है कि अभी उसको हार्ट अटैक होने वाला है या उसकी मौत वाकई हो जाएगी, लेकिन असल में ये एंग्जाइटी का सिम्टम होता है कि एकदम से हाथों में पसीना आएगा और ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, या इसके अलावा ट्रैमलिंग होती है, ट्रैमर होता है कि एकदम से कपकपाहट शुरू हो गई, या सही से अगर आप वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वॉक नहीं की जा रही है, या ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, इसमें बहुत ज्यादा रैपिड ब्रीदिंग होने लगती है, यानी बहुत तेजी से सांस लेने का अमल शुरू हो जाता है, और उस दौरान जो इंसान होता है जिसको ये सारी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है उसको ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक, अमूमन लोग इसको हार्ट अटैक से रिलेट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि कुछ जैसे एक्सपीरियंसिंग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, यानी आपको पेट के प्रॉब्लम, जैसे पेट में दर्द होने लगता है या आपको इंटेस्टाइन में दर्द होता है, और अक्सर छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि जब उनको स्कूल नहीं जाना होता है या स्कूल से छुट्टी करना चाहते हैं तो वो अमूमन यही कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, या उनको अगर कोई एंग्जाइटी का एक्सप्रेशन अमूमन बच्चों में पेट के दर्द से रिलेटेड हो रहा होता है ना। इसके साथ साथ जो होता है कि नींद में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की वजह से फर्क पड़ जाता है, यानी नींद नहीं आती है उस टाइम पे, जो है आपको अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं और वो ख्यालात इस टाइप के होते हैं जिसको आप कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रहते हैं। फिर ये है कि फीलिंग वीक और टायर्ड, यानी एंग्जाइटी के खास सिम्टम ये भी होता है कि आप हर वक्त अपने आप को बहुत कमजोर थका हुआ महसूस करते हैं, या थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम कर लिया है और आप जो है थकन के मारे बुरा हाल हो रहा है, तो ये भी एंग्जाइटी का एक एक्सप्रेशन है। फिर ये कि हैविंग एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, यानी आपकी जो पल्स रेट है, हार्ट बीट है, वो एकदम से फास्ट हो जाती है जब एंग्जाइटी आपको होने लगती है, तो ये इसके इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। और आप यकीन करें कि जो एंग्जाइटी के, जैसे कि ये मैं सिम्टम्स की बात कर रही हूँ, ये बहुत कॉमनली सिम्टम्स होते हैं जो आप अपने इर्द गिर्द लोगों में देख रहे होते हैं, और आप यकीन करें कि इन मुख्तलिफ टाइप के सिम्टम्स को लोग मुख्तलिफ चीजों के जरिए एक्सप्लेन करते हैं या उसको मुख्तलिफ चीजों से रिलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर बच्चों के पेट में दर्द होता है, अमूमन COVID-19 के दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया, खुद मेरी अपनी बेटी को मैंने देखा कि वो बार बार पेट के दर्द की शिकायत कर रही थी, क्योंकि वो लॉकडाउन में घर में बैठ गए थे और फिर टीवी में जो बार बार एक काउंटडाउन आपने देखा था चल रहा था कि अब इतने लोग इस दुनिया में मर गए हैं और इस जगह, इस मुल्क में जो है इस तरीके के हालात हो गए हैं, तो वो बस देख देख के एक तरीके की जो एंग्जाइटी थी वो बहुत कॉमनली जो थी वो हुई। जी गुलनाज, आशिक, क्या ये सिम्टम लेस भी होती है एंजाइटी? आई मीन इस तरह के कोई सिम्टम्स ना हो जो देखने में है कि, और फिर भी एंजाइटी फील हो, कुछ सिम्टम लेस भी होता है ये एंजाइटी? इसमें जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ये सारे ही सिम्टम एक वक्त में मौजूद है, आप में कोई एक सिम्टम भी हो सकता है ना, एक सिम्टम भी हो सकता है। और ये मैंने एक जर्नल एंजाइटी के आपको सिम्टम बताए कि ये वो प्रोमिनेंट सिम्टम है कि अगर आप किसी में भी देखेंगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगी कि ये एंजाइटी इसको हो रही है। लेकिन एंजाइटी के बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें जैसे कि पैनिक अटैक्स हैं, जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली एंग्जाइटी के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और उसकी क्या वजूहत हैं। लेकिन इसके जो है डिसऑर्डर से पहले मैं जरा एंजाइटी के ऊपर ही इन डिटेल बात करना चाहूंगी कि एंजाइटी तक सही से समझ आए कि एंजाइटी एक्चुअली क्या होता है और उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो ये सिम्टम्स मेरे ख्याल में ही समझ आ गए होंगे। अब बात करती हूँ मैं एंजाइटी के आइसबर्ग के बारे में कि एक्चुअली एंजाइटी के जो आइसबर्ग होता है, एंजाइटी के कॉजेस बेसिकली क्या होते हैं। तो एंजाइटी इटसेल्फ एक बिहेवियरल एक्सप्रेशन है, बिहेवियरल एंड फिजिकल एक्सप्रेशन है, यानी जिसमें एंजाइटी जो है बेसिकली आपके मुख्तलिफ रवैयों से सामने आती है, आपके जिस्मानी जो होते हैं एक्सप्रेशन उसके जरिए से एंजाइटी सामने आती है। लेकिन एंजाइटी के पीछे रीजन क्या होते हैं, यानी
किस वजह से, वो कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी आ रही होती है। इसके बारे में मैं एक चीज बता दूं कि एंग्जाइटी का जो लिंक है, या इसके अलावा भी जितने भी बीमारियों का जो लिंक होता है, वो होता है थॉट प्रोसेस से। थिंकिंग यानी आपका थॉट आता है, फिर आपके फीलिंग्स आते हैं, देन आपके इमोशंस आते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि एंजाइटी का बेसिकली रीजन क्या, और इसको एक आइसबर्ग के हवाले से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है कि जो आपको एक्चुअली जो एंजाइटी ऊपर नजर आ रही है, वो एक आइसबर्ग की तरह है, लेकिन जब हम उसको अंडरलाइन, उसको जब एक्सप्लोर करते हैं, यानी जब ड्यूरिंग सेशन अगर मेरे पास कोई क्लाइंट एंजाइटी का आता है, और जब मैं उसको एक्सप्लोर करती हूँ, तो वो सिर्फ एक एंजाइटी नहीं होती है जो विजिबल होती है, उसके साथ जो अंडरलाइन जो फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि समटाइम्स ये पाया जाता है कि कंफ्यूजन होती है, कि चीजें आपको क्लियर नहीं है, या आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो उसमें भी एंजाइटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप टायर्ड हैं, लोनली हैं, आपको ग्रीफ बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपके अंदर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा सोसाइटी में या दोस्तों के ग्रुप में, या आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, या आपके अंदर कोई रिग्रेट पाया जा रहा है, और वो रिग्रेट या पछतावा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो फिर एंग्जाइटी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मैंने जैसे कि बताया कि एंग्जाइटी एक बिहेवियरल एक्सप्रेशन है, लेकिन अंडरलाइन ब्रेन में या दिमाग में ये तमाम चीजें साथ साथ चल रही होती है। यानी रिग्रेट हो रहा है, या आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज आ रही हैं, और आप उन इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचे जा रहे हैं, आदम तहफ्फुज़ का आप शिकार हो रहे हैं, आप सोचे जा रहे हैं, तो एट द एंड आपके अंदर एंग्जाइटी के सिम्टम्स नुमाया होंगे। फिर इसके साथ साथ ये कि अगर आप हर्ट हुए हैं किसी भी वजह से, आपको शौहर की कोई बात बुरी लग गई, आपको अपनी सास की कोई बात बुरी लग गई, बच्चों की बातें बुरी लग जाती हैं समटाइम, या बाज़ात पड़ोसियों की, या कोई किसी भी वजह से अगर आप हर्ट हुए हैं, तो ये भी जो है, अगर बहुत ज्यादा अगर आपने उस टाइम उसको एड्रेस नहीं किया, तो आगे जाके ये एंग्जाइटी का एक्सप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हेल्पलेस फील करते हैं अपने आप को, यानी आपको समझ नहीं आ रहा, या बहुत ज्यादा वर्थलेस फील कर रहे हैं, तो ये भी एंग्जाइटी के बिहेवियर को समझ लें, किसका रूट कॉज बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर एम्बैरसमेंट के इमोशंस आते हैं, या एम्बैरसमेंट, आप एम्बैरस हो रहे हैं किसी भी वजह से किसी के भी सामने, तो ये अपने आप को एंग्जाइटी के जरिए आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। आप अशेम्ड हो रहे हैं, या डिसगस्टिंग फीलिंग हो रही है, या किसी भी वजह से ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, या डिप्रेस्ड हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, मूड बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, और कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गए किसी भी वजह से ना, या इसके अलावा आपके अंदर जेलसी की फीलिंग आ रही है कि आप किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं आगे, या किसी को तरक्की करता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, या किसी भी वजह से कोई भी जेलसी की फीलिंग्स अगर आपके अंदर आ रही हैं, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या उस जेलसी की फीलिंग की वजह से आप जो हैं वो कोई अपनी हिकमत अमली को जामा नहीं पहना पा रहे हैं, या हिकमत अमली को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी फिर आगे जाके एंजाइटी में कन्वर्ट होगा। फिर इसके साथ साथ ये है कि अगर आपको डिसरिस्पेक्ट का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, कि आपको हस्बैंड की तरफ से, या ससुराल वालों की तरफ से, या आपको अपने पड़ोसियों की तरफ से, या रिश्तेदारों की तरफ से, बच्चों की तरफ से डिसरिस्पेक्ट अगर आप महसूस कर रहे हैं, या ऑफेंडेड फील कर रहे हैं, तो ये चीजें भी जाके आपके अंदर एंजाइटी को कॉज कर सकती हैं। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि एंजाइटी के कितने सारे रीजन हो सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर हम इन सारे रीजन को देखें, कि सुबह से शाम तक हम किसी ना किसी रीजन से हमारा ताल्लुक पड़ रहा होता है। अगर आप देखें ना, सुबह से लेके रात तक आप देखें कि कोई ना कोई ऐसी चीज लाइफ में हो रही होती है जो आपके ऊपर अफेक्ट डाल रही होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे अहम चीज ये है कि अगर आपके अंदर रिजिलियंसी है, और अगर आपको पता हो कि हमने उस चीज को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, तो उससे ये होगा कि सुबह से शाम तक जो कुछ भी हो रहा होता है, अगर आप उसको मैनेज करना सीख जाते हैं, या उसको सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके जितने भी मैंने कॉजेज बताए, एंजाइटी फिर ना होने के बराबर है, या एंजाइटी के चांसेस नहीं है। जैसा कि ये बताया जा रहा था कि ड्यूरिंग COVID-19 के एंजाइटी जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और सिर्फ इसलिए बढ़ी थी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रहे थे, और वर्थलेस फील कर रहे थे, फिजिकल
फीलिंग ऑफ रिजेक्शन था, आइसोलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था कोविड की वजह से, लोनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक अनसर्टेनिटी की कैफियत बहुत ज्यादा पाई जा रही थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग हर वक्त फिर सोचने लग गए, सोचते सोचते और फिर उनको लगा कि सिचुएशन तो कंट्रोल से बाहर हो गई, क्योंकि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था जब ये नया नया आया था, तो आप देखेंगे कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी पाई जा रही थी। और इस सब चीजों ने जो था बहुत ज्यादा नींद को डिस्टर्ब किया, बहुत ज्यादा जो एक काम करने की जो एबिलिटी है, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, उस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट डाला, और इसकी वजह से एंजाइटी कनाडा में बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मैं समझती हूँ कि सिर्फ कनाडा में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में मैं समझती हूँ कि एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब हम देखते हैं कि एंजाइटी का जो अगला स्टेप है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उससे भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी कि एंजाइटी एक्चुअली कैसे, इसके कॉजेस कैसे वर्क कर रहे होते हैं ना। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है एंजाइटी की, जैसे कि मैंने इसके आइसबर्ग के हवाले से आपको बताया था कि ये तमाम चीजें जब आती हैं और उसको जब आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली क्या है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, या लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जैसे कि फिजिकल हेल्थ होती है ऐसे ही एक मेंटल हेल्थ भी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं होती तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि अगर वो एम्बैरेस हो रहे हैं या हेल्पलेस फील कर रहे हैं या हर्ट फील हो रहे हैं या इनसिक्योर हैं, तो उनको उस फीलिंग्स को एक्चुअली फर्स्ट स्टेज पे कैसे टैकल करना है या फर्स्ट स्टेज पे कैसे हैंडल करना है। और जब वो चीज हैंडल ही लोगों को पता ही नहीं होता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, तो फिर क्या होता है कि वो फिर एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब एंग्जाइटी आ जाती है तो बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी का भी नहीं पता होता है कि उनको एक्चुअली एंग्जाइटी हो रही है। जब एंग्जाइटी कंट्रोल में नहीं आती तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज में एंग्जाइटी जब बहुत बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंगर बहुत ज्यादा आने लग जाता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि एंग्जाइटी इतनी ज्यादा एक ओवरवेल्म्ड फीलिंग होती है, इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग की फीलिंग्स होती है एंग्जाइटी में कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। यानी कोई भी छोटा सी भी बात होती है, कोई छोटी सी सिचुएशन आती है और एंग्जाइटी की वजह से आप एकदम से एंगर का जो होता है एक्सप्रेशन सामने आता है, ये एंगर का आउटबर्स्ट होने लगता है। स्लीपिंग इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं कि रातों को नींद नहीं आ रही होती है, और ये COVID-19 के दौरान तो बहुत ज्यादा हुआ है ना। और खासतौर से मैं कहूंगी कि पैनिक अटैक्स जब होते हैं, एंग्जाइटी की एक फॉर्म होती है, तो उसमें भी स्लीप के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज पे आपने उसको टैकल नहीं किया ना, तो वो बढ़ते बढ़ते इतना हुआ कि वो जाके आपकी नींद के ऊपर असर डाल रहा है। फिर ओवर प्लानिंग बहुत ज्यादा होने लगती है क्योंकि आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो उसपे क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग करने लगते हैं, अवॉइडेंस बिहेवियर आने लगता है। फिर साथ साथ क्या है, ये क्या लिखा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आने लगती है, लैक ऑफ फोकस आता है, डेफिएंस आता है, और ये लिखा है चैलेंजिंग बिहेवियर होना चाहिए था, ये कुछ और लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज में आने के बाद चूंकि लोगों को पता नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि ये क्लस्टर की सूरत में सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और फिर अगर आप देखें कि इसके जब ये पहली स्टेज पे होता है तो लोग इसके मुख्तलिफ तरीके के इलाज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जैसे वो समझते हैं कि अगर जैसे पैनिक अटैक हो रहा है, इस टाइप की कोई चीज हो रही, तो लोग समझते हैं कि कोई साया हो गया है, जैसे पैनिक का अटैक हो रहा है या एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई है कि वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। कुछ लोगों को मैंने ये देखा, इवन पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वहां पे ये बहुत प्रैक्टिस की है, एज अ साइकोलॉजिस्ट वहां मैं काम करती थी, तो मैंने ये देखा कि जब वो इस टाइप के पेशेंट आते थे जो एंग्जाइटी मेजर डिसऑर्डर जिनको डायग्नोज हुआ हुआ होता है, और जब उनकी हिस्ट्री ली जाती तो वो कहते थे कि ये हमें लगता है कि हमारे किसी नन ने या भावज ने हमारे ऊपर तावीज करवा दिया है, क्योंकि वो हमारी खुशियों से जल रही थी। तो मैं उनके घर गई थी, और जब से मैं उनके घर से वापस आई हूँ तो उस वक्त से मैंने उनके घर फला चीज खाई थी, उस वक्त से आप यकीन करें कि मेरी यही हालत हो गई कि मेरे मुझे एकदम पसीने छूट जाते हैं, मेरे हाथ पांव ठंडे होने लग जाते हैं, मेरी दिल की जो धड़कन होती है वो बिल्कुल काबू में नहीं रहती है,
और बस मेरा दिमाग माफ होने लगता है और मैं डिजी होने लगती हूँ। तो मैं बस उनकी तरफ ये देखती थी कि यार ये जो है एंजाइटी के सिम्टम्स को ये किस चीज से रिलेट करे। और फिर आप देखें जब वो इस चीज से कनेक्ट करते हैं तो फिर एक बोझ, एक कीना, एक अदावत जो होता है उस रिश्ते के साथ वो रखने लग जाते हैं। यानी फिर उनको ऐसा लगता है क्योंकि हम उनके घर से ये चीज खा करके आए थे और उसके बाद से हमें ये सब कुछ हुआ। होती है कि जो इंसान का एक मैकेनिज्म होता है काम करने का ना, अब वो मैकेनिज्म एक हद तक काम करता है, एक वक्त ऐसा आता है कि उस वक्त ये मैकेनिज्म फ्रीज हो जाता है या ये मैकेनिज्म डैमेज हो जाता है या ये मैकेनिज्म काम करना छोड़ देता है। तो ये वो लम्हा होता है जब आपके ऊपर कोई ना कोई डिसऑर्डर हमला कर देता है, जब कोई ना कोई जो मेंटल हेल्थ इश्यूज या कंसर्न बहुत प्रोमिनेंटली आपके ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। और वो लम्हा ये भी हो सकता है कि आप किसी के घर गए और आज आप वहां से निकल रहे हैं तो उस टाइम आपका मैकेनिज्म फ्रीज हो गया, उस वक्त आपके जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसने काम करना छोड़ दिया और एंजाइटी डिसऑर्डर ने उस वक्त जगह ले ली। और चूंकि आपको इसकी अवेयरनेस नहीं है तो आपने उसको किस चीज से लिंक किया कि जो मैं उनके घर इस वक्त ये खाना खा के निकली थी या चाय पी के निकली थी और उसके बाद से। और फिर क्या होता है कि इन डिसऑर्डर्स में अगर ये एक दफा आ जाते हैं और आपको इसकी अवेयरनेस नहीं है और आपने इसकी कोई मेडिसिन नहीं ली या आपने इसका कोई इलाज नहीं किया तो ये सिम्टम्स भी चलना शुरू हो जाते हैं। और आपके जहन में क्या होता है कि जी मैं उसके घर से आई थी और उस दिन के बाद से जैसे ही मैं घर में घुसी हूँ मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए और मेरे अंदर ये अलामत आ गई। और आप फिर उसको लिंक कर देते हैं, फिर आप उस इंसान के मुतालिक एक बोक्स कीना अदावत रखते हैं, फिर एक अदर जो होता है ना एक दूसरे टाइप का जो होता है अफर्मेशन, नेगेटिव अफर्मेशन वो अपने माइंड में आप शुरू कर लेते हैं। और अगर आप इस टाइप की मोर देन 400 और 600 अगर आप थॉट्स क्रिएट करते हैं तो आप देखें कि आप जब भी उस इंसान की शक्ल देखेंगे आपके अंदर एक नफरत की फीलिंग आएगी, आपके अंदर एक हेटर्ड आएगा, आपके अंदर एक एंगर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप बार बार इसी बारे में सोचे जा रहे हैं ना। और फिर क्या होता है कि जब ये चीज मैनेज नहीं हो रही होती है, ये चीज हैंडल नहीं हो रही होती है और आपने इसका इलाज नहीं करवाया हुआ होता है तो फिर यही आगे जाके आपके जो होती है नींद पे अफेक्ट डालती है, आपकी जो है ओवरऑल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करके, डैमेज करके, एट द एंड डिस्ट्रॉय कर देती है। सिर्फ ये एंग्जाइटी का मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से देखें कि कितने सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि फिजिकल हेल्थ बीमारियां होती हैं कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होता है या आपको स्किन प्रॉब्लम होता है या आपको कोई और इश्यूज हो रहे होते हैं और आपको चूंकि सुन सुन के उसकी अवेयरनेस होती है कि जी ये इस वजह से, ये डायबिटीज की वजह से ये अलामत आ रही है। तो जैसे जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी वैसे वैसे लोगों को पता चलेगा कि इसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसके डिसऑर्डर्स की तरफ कि इसके कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और वो क्या हैं बेसिकली ना। तो उसमें आप बहुत सारी चीजों से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या हैं। इसकी ये वाली स्टेज आई होप कि सबको समझ आई होगी। उसके बाद आता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो मोस्टली जो कॉमनली पाए जाते हैं लोगों में, जो देखे जाते हैं वो फोबियाज हैं, पैनिक अटैक्स हैं, जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी कहा जाता है, एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये तमाम वो डिसऑर्डर्स हैं जिनका जिक्र DSM-5 में मौजूद है और इनकी जब बकायदा एक प्रॉपर डायग्नोसिस मौजूद है। और इसके जो है सिम्टम्स हर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो हैं वो दूसरे डिसऑर्डर से डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और इसके क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले फोबिया की, कि फोबिया एक्चुअली क्या होता है। फोबिया का लफ्ज आपने बहुत दफा बहुत कॉमनली आपने जो है वो सुना होगा कि फोबिया क्या होता है।
इसको अमूमन जो है फोबिया को खौफ कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में, खौफ की कैफियत, फोबी फोबिक, अमूमन वर्ड फोबिक लोग कहते हैं। अच्छा, जो लोग फोबिया का शिकार होते हैं, फोबिया के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों से फोबिया हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है, कुछ लोगों को एनिमल्स का फोबिया होता है, कुछ लोगों को छिपकली से डर लगता है, कॉकरोचेस से डर लगता है, कुछ लोगों को ड्राइविंग का फोबिया होता है, कुछ लोगों को अंधेरे से खौफ आता है, कुछ लोगों को जो होता है, यानी आप मुख्तलिफ टाइप के जो फोबिया हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर। और इसमें जो है DSM-5 में मुख्तलिफ टाइप के फोबिया का जिक्र किया गया है। अच्छा, फोबिया की कैफियत में या खौफ की हालत में, क्योंकि खौफ जो है ये एक एंगजाइटी का प्रोमिनेंट जो है वो कैटेगरी है। अब जैसे इसमें मैंने जितने भी एंजाइटी के सिम्टम्स बताए हैं वो इसमें से कोई ना कोई तो पाए जाएंगे ही, लेकिन फोबिया का बेसिकली क्या होता है, यानी जब किसी भी वजह से अगर आपको हाइट का खौफ है और अगर आपको हाइट के ऊपर ले जाया जाए तो आपके अंदर क्या अलामत आएंगी फोबिया की वजह से? जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल होगा आपके अंदर, कोल्ड और हॉट फ्लशेस होंगे आपके अंदर, फियर ऑफ गोइंग इनसेन, यानी आपको ऐसा लगेगा मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी अगर मैं ना स्टॉप हुई हाइट पर जाने के लिए। डिजीनेस बहुत ज्यादा होने लगेगा, फियर ऑफ फैंटिंग होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बेहोश हो जाएंगे। और ये जो फोबिया या जो फियर है, आप यकीन करें ये सिर्फ उस वक्त आपके अंदर आएगा जब आपका जो खौफ है जिस चीज से वो आपके सामने अगर आएगा। जैसे अगर आपको छुपकली का खौफ है और छुपकली एकदम से अगर आपके सामने अभी आ जाती है तो आपके अंदर ये तमाम सिम्टम्स आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी लूजिंग कंट्रोल हो रहा है, आप बेहोश हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि उस टाइम क्या करना है। तो हर एंजाइटी के डिसऑर्डर्स के डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं। तो फोबिया में अमूमन ऐसा होता है जो मैंने आपको अभी फोबिया के सिम्टम्स बताए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एंजाइटी का जो डिसऑर्डर है उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फोबिया का आई थिंक के क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक जो है वो कोविड के दौरान और अभी भी काफी कॉमन, यानी ये हुए हैं। पैनिक अटैक एक खास टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, पैनिक अटैक में ये खास टाइप का अटैक होता है जो आपके ऊपर होता है, और उस अटैक में, यानी एक अटैक होता है, ये हार्ट अटैक की तरह ही होता है कुछ, लेकिन जब लोगों को पैनिक अटैक स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक लोगों को स्टार्ट होता है तो लोग ये समझते हैं कि उनको हार्ट अटैक होने वाला है, लेकिन एक्चुअली हार्ट अटैक में और पैनिक अटैक में फर्क होता है। अच्छा, पैनिक अटैक क्या होता है, इसमें ये सिम्टम्स आते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी एक अटैक की सूरत में, एक हमले की सूरत में आपके ऊपर होता है, यानी ये आएगा, इसका ड्यूरेशन होता है और उसके बाद जो होता है इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और पैनिक अटैक की खास मैं बात बताऊं आपको कि पैनिक अटैक का कोई रीजन नहीं होता है, यानी इसके वो सारी वजूहात होती हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं, लेकिन इसका फोबिया की तरह कोई सामने रीजन नहीं होता। यानी पैनिक अटैक आपको कभी भी कहीं पर भी हो सकता है और इसकी कोई रीजन नहीं होगा इसका उस वक्त। जैसे फोबिया आपको उस वक्त होगा जब वो चीज आपके सामने होगी या आपके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। जैसे आपको अगर हाइट का फोबिया और कोई अगर आपको हाइट पे लेके जाएगा तब आपके अंदर फोबिया की अलामत आएंगी। लेकिन पैनिक अटैक जो है ना, ये वो अटैक है जो आपको कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे भी हो सकता है, इवन नींद की हालत में भी अटैक आपको पड़ सकता है। आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप बस स्टॉप पे खड़े हुए, इस अटैक का कुछ नहीं पता, ये आपको उस टाइम पे भी पैनिक अटैक हो सकता है। आप बस से उतर रहे हैं उस टाइम पे भी हो सकता है, आप ड्राइव कर रहे हैं उस दौरान भी आपको पैनिक अटैक हो सकता है। तो इसका कोई टाइम नहीं है। तो इसमें बेसिकली पैनिक अटैक में क्या होता है, पैनिक अटैक में क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर साथ साथ क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो दिल है वो एकदम से दौड़ना शुरू हो गया, एकदम से तेज तेज धड़कना शुरू हो जाएगा, आपको चेस्ट पेन होगा, फिर उसमें आपके अंदर एक ट्रेमर की कैफियत आएगी आपके अंदर, फिर क्या होगा कि फीलिंग डिजी हो रहे होंगे आप,
आपके आपके जो होंगे हाथ वगैरह जो है ना हॉट एंड कोल्ड आपको एकदम से फ्लैशेस होंगे, एकदम से आपको ठंडा लगेगा, एकदम से गर्म लगेगा। फिर आपको क्या होगा कि आपके अंदर जो है चॉकिंग की कैफियत होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका एकदम गला बंद हो रहा है, आपके अंदर ऐसा फील होगा कि फीलिंग, ये क्या लिखा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग आने लगेगी, आपको नॉजिया वॉमिटिंग होगा, आपके अंदर नर्वनेस आएगी। और जो इसका सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम जो आपके अंदर जो थॉट आएगी, और ये हर पैनिक अटैक के अंदर आती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप बस अब मरने वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा कि अब आप मरने वाले हैं, ये इसका एक खास सिम्टम है। और जैसा कि मैंने आपको पैनिक अटैक के बारे में बताया कि पैनिक अटैक जो है ये आपको किसी भी वक्त कहीं भी किसी बगैर किसी रीजन के आपको ये पैनिक अटैक हो सकता है। तो इसके बारे में अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, अमूमन जिन लोगों को पैनिक अटैक के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है वो अमूमन इसको रिलेट करते हैं कि जैसे उनको जैसे यहाँ पे चॉकिंग की भी फीलिंग हो रही होती है तो लोगों को ऐसा लगता है, और एकदम से जैसे दिल धड़कना शुरू होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस वो अब मरने वाले हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया है या उनका वक्त करीब आ गया है, इस तरीके से लोगों को फील हो रहा होता है। इस सिलसिले में मैं यहाँ पे एक केस हिस्ट्री सुनाना चाहूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप यकीन करें इस क्लाइंट को मैंने ही ट्रीट किया है। इस क्लाइंट का ये हुआ कि ये जो क्लाइंट है वो यहाँ की नहीं है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क की है ना, पाकिस्तान की भी नहीं है, ये पड़ोसी मुल्क की है। इन्होंने जो है अभी 3 महीने पहले इन क्लाइंट ने जो था जो पाकिस्तान विजिट किया, ये बिल्कुल नॉर्मल थी उस वक्त, लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान से वापिस आई है, आने के बाद उनको क्या हुआ कि आई थिंक विद इन अ वीक इनको ऐसा हुआ कि रात को अचानक इनकी आंख खुली और इनको पैनिक अटैक हुआ। और पैनिक अटैक के जो मैंने तमाम अलामत आपको बताई है इनको सेम यही सारी अलामत आई, लेकिन उनको इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी कि ये उनको पैनिक अटैक हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि वो जब पाकिस्तान गई थी तो वो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के घरों में उन्होंने विजिट किया, और उनको पहले से उनके जहन में ये था क्योंकि मैं इतनी वेल्दी हूँ और मैं बहुत ज्यादा सेटल्ड हूँ अपने खानदान में, तो कोई भी मेरे साथ कोई जादू वगैरह, यानी उनका पहले से एक फ्रेम ऑफ माइंड था कि कोई भी जादू टोना करवा सकता है ना। तो बहरहाल जब उनको ऐसा हुआ, उनको लगा कि ये अब ऐसा होने वाला है, बहरहाल ये अटैक हुआ उनको, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई। फिर उसके बाद उनको जो था आई थिंक 6 आवर्स के बाद दोबारा अटैक हुआ, फिर उनको दूसरे दिन हुआ, फिर इस तरीके से क्या हुआ कि उनको ये अटैक जब होने लगे और उन्होंने जब वहां पे पाकिस्तान में बात की तो उनके फैमिली मेंबर्स ने कहा कि लास्ट तुम जो थी फला जगह मिलने गई थी, और ये जो है उनका कुछ फ्रेम ऑफ माइंड इसी तरीके का था कि वो इन चीजों को जादू टोने से रिलेट करते थे। आप यकीन करेंगे इतना इंटरेस्टिंग केस है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा हम मालूम करते हैं, वो किसी के पास गए तो उन बाबा ने ये कहा, तो वो उनका सारा कुछ देख के उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा कि जो है बहुत जबरदस्त जादू करवाया है, और ये जो जादू है ये इनको मारने के लिए करवाया गया है ना, लेकिन इनका कोई लिया दिया ऐसा काम आ गया है कि इनकी मौत वाकई नहीं हुई, यानी जो कुछ इनके साथ अटैक पड़ते हैं ना उसमें इनके उसके जहन में ये होता है कि मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि चॉकिंग और दिल कंट्रोल में नहीं रहता और पल्स रेट इतनी हाई जाती है, और उनका ऐसा लगता है कि बस मैं मरने वाली हूँ, एक पैनिक अटैक है। तो उनको बाहर पाकिस्तान से ये खबर मिली कि ये किसी ने जबरदस्त जादू करवा के उनको लपेट दिया है किसी उसमें, और इसका ना उतारा होगा। बहरहाल उन्होंने जो है यहाँ से काफी भारी रकम डॉलर की शक्ल में भेजी उनका, बहरहाल वहां पे उतारा हुआ, लेकिन उतारा होने से क्या हुआ कि इनकी अलामत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ कि उतारा होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उनके पेरेंट्स फिर गए तो आके उन्होंने कहा कि ये इतना जबरदस्त काम है, और शायद कुछ कब्र से उन्होंने रिलेट किया ना कि ये कब्र में ऐसे किया गया, और इसके लिए एक दूसरा टाइप का उतारा होगा और उसके लिए जो है इतनी रकम लगेगी। इन्होंने बहरहाल फिर जो है वो पैसा ट्रांसफर किया, इनका दूसरा उतारा हुआ। उतारा होने के बाद क्या हुआ कि इनकी अलामत में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कहा ये क्या हुआ ना। फिर बहरहाल ये क्लाइंट मेरे साथ जो थी किसी तरीके से ये मेरे साथ कनेक्ट हुई,
इन्होंने मुझे जब ये बताया तो मैंने इनको फौरन कहा कि ये तो पैनिक अटैक आपको हो रहा है और आप किस चक्करों में पड़ गई। इन्होंने बोला नहीं, ये उन्होंने कहा है कि ये ऐसा ही है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहती है कि अभी मेरा ना तीसरा उतारा होने वाला है, अब आप बताओ। फिर जब मैंने उनको ये पूरा एक्सप्लेन किया, उनको मैंने ये DSM-5 का पूरा मैंने उनको बताया, उसमें बकायदा ये पूरा खोल के मैंने उनको ये बताया कि ये ऐसे है और ये बीमारी है और इसका ताल्लुक मेडिसिन से और साइकोथेरेपी से, इसका ताल्लुक उतारे से नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। जब उनको ये अवेयरनेस हुई तो उन्होंने कहा ओहो, लेकिन उसने तो आदमी ने गारंटी ली कि तीसरा उतारा आपका काम कर देगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका इलाज उसी वक्त करूंगी, पहले आप ये तीसरा उतारा करवा लें। जब क्योंकि अगर मैं आपका इलाज शुरू करूंगी तो क्या होगा कि आप जो है समझेंगी कि वो जो तीसरा उतारा हुआ है, क्योंकि आप तो रिलेट करने में माहिर हैं। ये मैंने अपने दिल में सोचा ना, मैंने उस क्लाइंट को नहीं बताया। मैंने कहा अभी सगरे आप तीसरा उतारा करवा लें और जैसे ही आपको तीसरा उतारा हो जाए तो उसके एक दिन के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। बहरहाल उन्होंने तीसरी दफा बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की, डॉलर की शक्ल में उनका तीसरा उतारा हुआ। और आप यकीन करें कि तीसरे उतारे से उनको जीरो फायदा हुआ। बहरहाल उन्होंने नेक्स्ट डे मुझसे मुझे कांटेक्ट किया और कहती है कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब आप सबसे पहले तो तौबा करें, यानी एक मजाक में मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये बीमारी है और इसका ये इलाज है, तब हम इसका बकायदा इलाज स्टार्ट करते हैं। बहरहाल उनका इलाज स्टार्ट हुआ, उनको जो है फैमिली डॉक्टर से भी कनेक्ट किया गया और उनकी मेडिसिन भी, और साथ साथ यहाँ से उनकी जो थी, मैंने कनाडा से उनकी जो थी ऑनलाइन साइकोथेरेपी शुरू की। करते करते आप यकीन करें कि क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्टेप यही था कि जब तक क्लाइंट को खुद अवेयरनेस नहीं होगी वो कैसे जो है वो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करेगा। बहरहाल उनका इलाज चला, इलाज चलते चलते क्या हुआ कि विद इन अ मंथ उनके अंदर जो था बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आई और आई थिंक डेढ़ डेढ़ महीने के अंदर ही जो थी उनकी 80% जो अलामत थी वो खत्म हो गई। फिर वो मुझे कहने लगी कि ये इतनी जबरदस्त चीज है साइकोथेरेपी के मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैंने अपना कितना वक्त जो था और कितना पैसा, कितनी एनर्जी इन चीजों पे जाया की, और मैं कितना यानी समझती रही और कि मैं फलां घर गई थी, फलां घर गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने ये सारा जादू करवाया है मेरे ऊपर और वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं क्योंकि वो मेरी खुशियों से जलते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप देखेंगे कितना कि एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ना होने की वजह से हम कितना ज्यादा बोझ और कीना लोगों के लिए अपने दिल में रखना शुरू हो जाते हैं और हम किन चीजों से रिलेट कर रहे होते हैं आप देखें ना। यानी क्या, और अगर ये इलाज उनका ना होता तो एंड में क्या होता, वो फिर बिल्कुल पागल हो जाती। यानी कि यानी इतनी ये बीमारी बढ़ती इतनी बढ़ती कि एक्चुअली एक दिन फिर वो मरी जाती है इस बीमारी से, या वो आगे जाके साइकोसिस या शिजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाती है। और जब शिजोफ्रेनिया या साइकोसिस एक दफा कन्वर्ट हो जाए, आपको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स आने लग जाए, तो उसका इलाज तो और भी यानी नामुमकिन है फिर। और जब आपको उसकी अवेयरनेस ही ना हो और आप उसको जादू टोने से ही अगर आप उसको लिंक करते रहें तो आप देखें कि आप अपना कितना कबाड़ा कर लेते हैं। और फिर आप देखें कि उससे रिलेटेड आपका जो घर है कितना मिसमैनेज हो जाता है, आपके बच्चे कितना सफर करते हैं, आपका शोहर कितना सफर करता है, आपकी सोशल लाइफ उस खातून की पूरी तबाह और बर्बाद हो गई थी। यानी उस पैनिक अटैक ने उसकी पूरी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ खत्म कर दिया था। और किस वजह से, क्योंकि उसको वो अवेयरनेस ही नहीं थी। और आप देखें ऐसे कितने लोग हैं पाकिस्तान में या यहाँ पे भी, आप देखें कि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती वो इन चीजों को इसी तरीके से लिंक कर रहे होते हैं। और मैं भी एक चीज और बताऊं आपको, पाकिस्तान में अमूमन ये भी देखा गया है कि जब लोगों को इस टाइप के अटैक हो रहे होते हैं, पैनिक अटैक होते हैं, और उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती तो वो फौरन कार्डियो भागते हैं। और आप ये देखें कि जब वहां पे डॉक्टर्स को अगर इस चीज की अवेयरनेस नहीं है तो आप देखें कि वो उस टाइम आपको कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो अमूमन इस चीज से लिंक करते हैं। अगर कोई बहुत सही डॉक्टर है या अगर वो फॉरन कार्डियो गए हैं तो वहां तो उनकी बचत है, क्योंकि वो फॉरन पल्स रेट रहते हैं और आपकी फॉरन एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें तो वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। पैनिक अटैक में और हार्ट अटैक में मैं आपको एक डिफरेंस ये बता रही हूँ कि ये जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक वाले सिम्टम, ये इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो किसी जो करीबी क्लिनिक में भागते हैं जैसे लोग, और आप देखिए वहां गए और फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि उनका इंतकाल हो गया, कि जी हार्ट अटैक हुआ था। अब
क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स ट्रेन नहीं होते, वहां पे कार्डियो स्पेशलिस्ट नहीं होते जो इस चीज को आइडेंटिफाई कर सके, और उस दौरान उनको अमूमन जिस टाइप के इंजेक्शंस इमरजेंसी में दिए जाते हैं वो उल्टा एक बैड इफेक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर, क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कार्डियो स्पेशलिस्ट नहीं होती है, जो जगह जगह जैसे आप देखें छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुले हुए होते हैं। हाँ, वो लोग जो अगर इस टाइप की अलामत आते हैं वो सीधे कार्डियो भागते हैं या कार्डियो अप्रोच कर रहे होते हैं या किसी दिल के डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो फॉरन एंजियोग्राफी, और उससे पता चल जाता है कि जी इनके जो सारे जो वॉल हैं ये जो वो सही से ब्लड को पंप कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत वाजे फर्क है जो लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो इन डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इनकी अवेयरनेस होगी आप जब भी इन बीमारियों का इलाज कर पाएंगे या इन मेंटल हेल्थ इश्यूज को आप फोकस करेंगे या उसके ऊपर आप तवज्जा दे सकेंगे। तो ये पैनिक अटैक इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया क्योंकि लोग अमूमन इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है और किस वजह से है। और पैनिक अटैक का जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका कोई रीजन नहीं होता है, ये किसी भी जगह कहीं पे भी आपको ये अटैक हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मैं आपको बताऊं डीएसएम, ये तो मैंने 5 का अभी बताया है जो, लेकिन मैं जो हूँ वो DSM-4 में ट्रेंड हूँ, क्योंकि मैंने 2000 में आज से 21 साल पहले अपनी ये ट्रेनिंग ली थी। 21 years बिफोर मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो उस टाइम पे DSM-4 था। और DSM-4 में जो वाजे फर्क जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको GAD कहा जाता है वो और पैनिक अटैक के सिम्टम उसके अंदर सिमिलर बताए गए थे, और उसमें ये बताया गया था कि जीएडी और पैनिक अटैक में सिर्फ एक फर्क है कि जीएडी का जो आपको जब अटैक होगा उस वक्त आपको जो है इसका जर्नलाइज, इसका आपको रीजन जो है इसका रीजन होगा जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का, और उसका कोई रीजन नहीं होगा, वो बगैर किसी रीजन के कहीं पे भी वो अटैक हो जाएगा। लेकिन DSM-5 में जो है इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताया गया है कि इसके अंदर जो है एक्सेसिव एंजाइटी और वरी होगी, इंक्रीज मसल एचेस सोरनेस, यानी आपके जो बॉडी के मसल्स हैं उसके अंदर पेन होने लगेगा बगैर किसी वजह के, या अगर आपने बहुत थोड़ा सा काम किया है तो आपके अंदर अगर जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आपको बहुत ज्यादा थकान होने लगेगी, या आपकी जो कंसंट्रेशन है अगर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, आपके अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है मेरा मिजाज के अंदर अचानक से, और या आपके अंदर जो है नींद के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके अंदर बहुत ज्यादा फिटीक आ रही है, या आप जो है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, यानी एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत है और आपको पता नहीं चल रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, बस आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हुए जा रहे हैं, तो ये जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है वो है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं इसके अंदर, लेकिन सोशल एंजाइटी बेसिकली रिलेट करती है आपके सोशल एक्टिविटीज से, कि अगर आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे या आप सोशल मीडिया पे आएंगे या आप किसी गैदरिंग में जाएंगे, इसका लिंक अमूमन इससे पाए जाते हैं, यानी कि सोशल एंग्जाइटी है। इसमें क्या होता है कि ब्लशिंग होती है बहुत ज्यादा, फीलिंग ऑफ द माइंड गोइंग ब्लैंक, यानी अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में और आपको अगर ये वाला डिसऑर्डर है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका बात करते करते माइंड आपका एकदम से ब्लैंक हो गया है, आपके अंदर मसल्स टेंशन आएगी, आप बहुत ज्यादा अनईजी फील करेंगे, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर जो आपकी हार्ट बीट, अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे गैदरिंग में आपको लगेगा आपकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो रही है, आपको पेट में दर्द महसूस होगा या आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, ट्रैवलिंग होगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपके अंदर जो है आपको लगेगा कि जैसे आपका सर जो है बहुत ज्यादा हल्का हो गया, लाइट हेडेडनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपके अंदर आएगा, डिजीनेस नोजिया की फीलिंग होगी। और ये सोशल एंजाइटी अमूमन जैसे इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर उस वक्त एंजाइटी का कोई भी डिसऑर्डर उस वक्त डिसऑर्डर कहलाता है जब ये तमाम अलामत आपके अंदर कम से कम 6 महीने तक आपके अंदर मौजूद रहें।
तब हम इसको डायग्नोस करते हैं कि ये डिसऑर्डर है। अदरवाइज सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स ये भी हो सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अमूमन इस टाइप के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके अंदर सोशल एंजाइटी आएगी। उसमें जैसे अमूमन लोगों के अंदर आती है कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या उनको समझ नहीं आ रहा होता है, या हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तो ये सोशल एंजाइटी होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं खड़े होके माइक पे अगर आप स्पीच देने वाले हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा और आपके अंदर सोशल एंजाइटी है, तो ये सिम्टम्स अमूमन आपके अंदर आएंगे। ये अमूमन आप बच्चों में भी आप देखेंगे कि अगर उनको कोई जैसे अनाउंसमेंट करनी है स्कूल में फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर उनके अंदर इस टाइप के सिम्टम्स आएंगे। उनकी हल्की सी हार्ट बीट तेज होगी, या हल्के से हाथ पैर उनके कांपेंगे और उनको समझ नहीं आएगा कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ये सोशल एंजाइटी है। तो सोशल एंजाइटी जब अगर इसके अलामत आपके अंदर 6 महीने तक अगर रहते हैं, तो ये जाके फिर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर भी काफी कॉमन है सोसाइटी के अंदर। इसके मैंने काफी क्लाइंट देखे हैं पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो बहुत जो कॉमन मैंने ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान में, वो पैनिक अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमनली देखे हैं। ओसीडी बहुत कॉमन है। सोशल एंजाइटी आती है और चली जाती है। ऐसा ये सोशल एंजाइटी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन बहरहाल वो भी होता है। फोबियाज होते हैं मुख्तलिफ टाइप के लोगों को, लेकिन ओसीडी मैंने देखा है कि काफी कॉमनली है। और ओसीडी की अलामत किस तरीके की होती है कि इसके अंदर जो होता है कि हर वक्त ऑर्गेनाइजेशन की फिक्र पड़ी रहती है कि चीजों को ऑर्गेनाइज एक पैटर्न में रखा जाए। परफेक्शनिज्म बहुत ज्यादा होता है। अगर जैसे चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है तो एंजाइटी की अलामत आएंगी। चीजें अगर परफेक्ट नहीं, जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो और प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं बनी है, या कोई काम परफेक्ट नहीं हुआ है, तो क्या है वो आपके अंदर एंजाइटी की अलामत आएंगी। अटेंशन टू, ये क्या लिखा है, अटेंशन टू द डिटेल। बहुत ज्यादा डिटेल के ऊपर फोकस होगा। बहुत ज्यादा जो है आप फ्रिक्वेंट लिस्ट, ये क्या लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इसके अंदर ओसीडी की अलामत में बेसिकली बहुत ज्यादा रिजिडिटी आती है। बहुत ज्यादा जो है ऑर्डर में चीजें रखना, सोशल आइसोलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके साथ में आपको देखें, इसके बारे में ओसीडी के बारे में कुछ और चीजें भी बताना चाहती हूँ। ओसीडी की बीमारी इतनी ज्यादा मैं कहती हूँ कि खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी जिस इंसान को होती है ना, वो इंसान बहुत ज्यादा परफेक्ट चीजों को ऑर्डर में रखना, कि कप अगर न्यू लाइन से रखें तो वो वैसे ही लाइन से रखने, अगर एक आगे पीछे हो गया तो वो एंजाइटी के सिम्टम्स आएंगे। लेकिन मैं इसके बारे में ये चीज जो बताना चाहती हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, वो ये है कि जिस इंसान को ये बीमारी होती है ना, उस इंसान की सेहत पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओसीडी की बीमारी में जो असल शामत आती है ना, जो असल सफरिंग स्टार्ट होती है, वो साथ में रहने वाले लोगों की होती है। जैसे अगर ओसीडी की बीमारी किसी सास में हो, अगर कोई सास ओसीडी के, सॉरी टू से, लेकिन ये मैंने लिटरली देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पाकिस्तान में, कि एक सास अगर ओसीडी की पेशेंट है या उस ओसीडी है, तो उसको हर वक्त सफाई का खप सवार रहेगा। वो हर वक्त चीजें ऑर्डर में रखेगी, हर चीज उसे परफेक्ट चाहिए, हर चीज में पाकी और नापाकी बहुत ज्यादा होगी। और जब वो सास बनती है, तो आप यकीन करें कि अगर उसकी बहू नॉर्मल है, तो बहू की जो जिंदगी है ना, वो अजाब हो जाती है। क्यों अजाब हो जाती है? क्योंकि एक जो नॉर्मल इंसान है, वो ओसीडी के मरीज के साथ कोप नहीं कर पाता है। जो सास है, फिर क्या होता है, घर में बेइंतहा फसाद, झगड़े होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि बहू तो नॉर्मल आई है ना, बहू तो ओसीडी नहीं है, बहू तो ऑर्डर में, ऑर्गेनाइजेशन में,
ये हर चीज का परफेक्ट, इंसान तो परफेक्ट नहीं होता है ना, लेकिन ओसीडी का जो मरीज होता है वो उसको हर चीज में परफेक्शनिज्म चाहिए, हर चीज में पाकी नापाकी, हर चीज के अंदर जो है ऑर्डर होना चाहिए, हर चीज में ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर वर्क जो आपका घर है वो साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। ऐसे जो मरीज होते हैं वो बिस्तर पे एक शिकन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, टॉवल अगर है तो वो बिल्कुल सही उससे टॉवल लगावा होना चाहिए, बर्तन है तो वो ऐसे ऑर्डर में किचन में बर्तन बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, कोई गंदगी कहीं नहीं होनी चाहिए, एक दीवार पे धब्बा नहीं होना चाहिए। आप यकीन करें, मैंने देखा है बहुओं की जो जिंदगी है वो अजाब हो जाती है अगर सास इस बीमारी से सफर कर रही हो। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता सब घर में नॉर्मल है, सास भी सही, अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी जो है कोई बहू लेकर के आ गई, आप यकीन करें कि अगर बहू लेके आ गई तो सबसे पहले तो बेटे की शामत है, क्योंकि वो जो है वो शोहर को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको हर वक्त अलमारी में हर चीज ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, वॉशरूम हर वक्त क्लीन होना चाहिए, यानी हर चीज परफेक्ट, और उस सिनेरियो में अगर नहीं होगी तो वो एंजाइटी इतनी बढ़ेगी कि वो फिर ऐसे लोग दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। इसी तरीके से अगर ओसीडी की बीमारी, अगर किसी बॉस के अंदर ओसीडी के ट्रेंड्स हैं तो जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनकी शामत आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उस बॉस को हर चीज परफेक्ट चाहिए, ऑर्डर पे चाहिए, ऑन टाइम चाहिए, उसके अंदर लचक नहीं होगी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि इंसान कभी लेट भी हो सकता है, चीजें आगे पीछे भी हो सकती हैं। इंसान इसी तरीके से होता है ना कि चीजें आगे पीछे हो सकती है, इंसान लेट हो सकता है, चीजें गंदी भी हो सकती है बाज़कात। इस तरीके से ये बहुत एक लंबी सफरिंग शुरू हो जाती है। फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अमूमन क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोग जॉब्स छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि फिर ऐसी पर्सनालिटीज के साथ कोप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर मैं आपको बताऊं, अगर ये बीमारी किसी माँ के अंदर अगर हो और उसके अगर बच्चे सारे नॉर्मल पैदा हुए हैं, शोहर भी नॉर्मल है, अगर ये बीमारी किसी माँ के अंदर हो तो आप यकीन करें कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों की जो एक सफरिंग होती है फिर माँ के साथ। क्यों? क्योंकि बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, उनके अंदर वो ओसीडी नहीं होता है ना, फिर क्या होता है कि माँ फिर बच्चों को बहुत ज्यादा अब्यूज करने लगती है, वर्बली अब्यूज करती है, फिजिकली अब्यूज करती है। क्यों? क्योंकि बच्चे उस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उस चीजों को परफेक्शनिस्ट तरीके से करना, हर चीज साफ सुथरी, दीवार पे एक धब्बा नहीं होना चाहिए, अगर गलती से बच्चे ने कोई धब्बा लगा दिया तो फिर तो वो एंजाइटी में वो इतनी हाइपर हो जाएगी कि उसको खुद समझ नहीं आएगा कि वो सिम्टम्स मैनेज नहीं होंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये माँ को बीमारी है और उसको अवेयरनेस नहीं, या उसके शोहर को अगर अवेयरनेस नहीं है कि ये एक बीमारी है, तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चे साथ साथ बड़े होते हैं तो उनकी वो पर्सनैलिटी को किस तरीके से वो डैमेज कर देती है, ये मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है बाकायदा, कि वो वर्बली इतना अब्यूज करेगी, हर वक्त घर में कॉन्फ्लिक्ट, एक वॉर जोन की कैफियत रहेगी घर में, बच्चों को एक लम्हे के लिए रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा कि बच्चे रिलैक्स करें, बस फिर उनका ये होगा कि जूते हैं तो वो ऐसे ऑर्डर में होने चाहिए, कबर्ड जो है वो हर वक्त ऑर्डर में कवर्ड होनी चाहिए, वॉशरूम में हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, अरे भाई कभी चीजें आगे पीछे भी हो सकती है ना, और उसकी वजह से एक टेंशन का माहौल होता है। और अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बीमारी एक ससुर में देखी है, सास नॉर्मल है, बहू बेटा बच्चे बाकी सारे बच्चे नॉर्मल है, यानी बहू ने ये कंप्लेन की कि मेरे ससुर को ये बीमारी है, तो मैंने कहा माय गॉड ये तो ओसीडी की बीमारी है, और उसके अंदर किस टाइप की अलामत थी कि जो है वो फ्रिज में हर चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए, फ्रिज का आपने दरवाजा एक दफा खोलना है और उसी तरह ना आपने सारी सब्जियां निकाल लेनी है, और अगर गलती से बहू कोई चीज भूल गई निकालना, जैसे अब आपने पकाना है, और ससुर चुके वो रिटायर थे और वो हर वक्त घर में ही रहते थे और उनकी नजर रहती थी, तो अगर आपने पूरी सब्जियां
सब कुछ एक दफा फ्रिज खोलना और निकालना है, दोबारा फ्रिज खोलने की इजाजत नहीं थी। और अगर बहू कोई चीज भूल गई है तो अब उसको ये टेंशन है कि सुसर या तो वॉशरूम में जाए या सुसर किसी काम से बाहर निकले तो मैं फ्रिज खोल के वो चीज निकाल सकूं, क्योंकि मैं वो उस टाइम पे निकालना भूल गई थी। यानी एक अजीब और गरीब माहौल घर का हो जाता है। तो ये इस टाइप की जो है ना बीमारियां, यानी उस इंसान की सेहत पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो साथ रहने वाले होते हैं ना वो बे इंतहा सफर करते हैं। तो मेरा ख्याल है आज का सेशन हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। इनशाला हम नेक्स्ट एपिसोड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है क्योंकि इसमें मैं इन तमाम बीमारियों के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से बात करूंगी कि आप कैसे इन बीमारियों को एड्रेस कर सकते हैं, वो कौन सी अलार्म, कौन सी चीजें हैं या कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप डेली लाइफ में अगर आप उसको अप्लाई करें। अगर है आपको एंजाइटी किसी भी लेवल पे इन कैटेगरीज में से आ रही है, वैसे भी एक बीमारी रह गई है बताने से, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। अगर इनमें से कोई भी है तो कौन सी स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी एट होम कि आप उसको प्रैक्टिस करें। बिल्कुल मैं एविडेंस बेस्ड जो है वो टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम अपने सेशन को खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अर्शी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और मजे का टॉपिक था, लेकिन बाकी एक्साइटमेंट हो रही है कि इन सब की जो है वो इलाज क्या होगा। तो इसका मतलब है नेक्स्ट सेशन विल बी मोर एक्साइटिंग होगा, ज्यादा एक्साइटिंग होगा। मैं खुद भी इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पूछा गया है, लोगों ने कहा है। आसिया आपका माइक वो है। अच्छा, मैंने कहा इसमें मोस्ट कॉमन तो ऐसे लग रही है जैसे मुझ में भी पाई जाती है। एग्जैक्टली होना एक अलग बात है, ट्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। हर इंसान में किसी में आपको डिप्रेसिव ट्रेंड नजर आएंगे, किसी में एंशियस या ओवरवेल्म्ड होने के ट्रेंड नजर आएंगे। अगर आपके अंदर ऐसे ट्रेंड्स मौजूद हैं, लेकिन उन ट्रेंड्स के साथ साथ अगर आप अपने लाइफ की तमाम एरियाज में फुल्ली फंक्शनल हैं, दैट्स ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके। ये डिसऑर्डर उस सूरत में होते हैं जब अगर ये इतने ज्यादा हो कि आप कोई काम ना कर सकें, यानी एंजाइटी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं है। अगर आपको अटैक पड़े, जैसे मैंने उस केस की मिसाल दी थी, तो उसकी तो पूरी सोशल पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ तबाह हो गई थी उस खातून की। बिल्कुल। या अगर आपको फोबिया है, फोबिया इतना ज्यादा है कि जैसे बहुत से लोगों को एलिवेटर का फोबिया होता है, वो फिर स्टेयर्स से आते जाते हैं, या हाइट फोबिया है तो उसमें आपकी फिर लिमिटेड हो जाता है ना काम करने की एबिलिटी। या गो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। Thank you so much Ashley for a wonderful session, और thank you everyone जिन्होंने join किया। तो आपका कोई भी question हो आप message box में लिख सकते हैं, तो Ashley उसका जवाब देंगी। और next session जो है वो इसी के part 2 के साथ होगा। So thank you Ashley and Asia for joining us. Thank you so much Ashia, thank you बोल। तो next week हम फिर आएंगे इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू एवरीवन।